अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो गया और बेटा मेरे जैसा हुआ है। हैप्पी बर्थडे ब्रो। थैंक यू ब्रो। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और गाइस, ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों स्पेशल होने वाला है रिया, आपको बताइए। क्योंकि हम अभी जा रहे हैं चंडीगढ़ और हम चेतन का बर्थडे सेलिब्रेट करने जाएंगे गोवा। हाँ जी, तो एक इवेंट है गाइस, सबसे पहले हमें वहाँ जाना है एक इवेंट पे, देन उसके बाद हम जा रहे हैं गोवा और वो हमने सेलिब्रेट करना है गोवा में। सो उससे पहले हम जा रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद हम वहां से डायरेक्ट जाएंगे गोवा। ओके, सो इवेंट है, इवेंट किस चीज का इवेंट है, कुलचे छोले मूवी आ रही है और जो कि 11th of November को रिलीज होगी। हाँ, 11th of November को रिलीज होगी, उसका म्यूजिक लॉन्च है, तो उसकी दिखाएंगे आपको हम सारा कुछ। हाँ, सारा। चले, लेट हो गया वाली। चलो चलो चलो, आज हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कार से। आप हमेशा बोलते हो कि कार से ही स्टार्ट करते हो व्लॉग, सो कार से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं आप कहोगे, हर बार साले एक ही जगह पे जाते हैं चंडीगढ़ में, बट हाँ जगह वही है, जा चंडीगढ़ ही रहे हैं, बट रीजन कुछ अलग है। और एक बहुत ही तगड़ा इवेंट है गाइज वहाँ पे, उसके लिए हमें इनवाइट आया है मुझे और रिया को, और साथ में बूटा भी जा रहा है। अब आप ये पूछोगे बूटा कौन है, सो बूटा है हमारा केतन, वो भी जा रहा है साथ में। बूटा जी आ गए हैं। तो गाइज, बूटा इज इन द कार, वी आर ऑन द वे। एंड ये देख लो भाई, आपको पता ही है कॉफी की शौकीन, स्पेशल इसने गाड़ी रुकवाई कि कॉफी लेनी है मुझे। ऐसे वी आर ऑलरेडी लेट, और पर इसको रुकना ही था कि यार खाने पीने के लिए तो रुकना ही है। और यहाँ मेरा पेट निकला जा रहा है, यहाँ इसका पेट भर नहीं रहा है, मेरी बॉडी नहीं बन पा रही इसकी वजह से, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा इसकी वजह से, जो भी हो रहा है मेरी लाइफ में बुरा सब इसकी वजह से ही है, क्योंकि मेरी शादी हो गई है। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं रेडिसन रेड में। सो गाइस, हम पहुँच गए होटल में और हमें रूम अलॉट हो गया है, और मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ, बहुत ही सुंदर रूम है। केतन जो रूम की खूबसूरती है उसको खराब कर रहा है। केतन इधर आ, इधर आया तू, उसके रूम खूबसूरती खराब कर रहा है। रूम दिखाते हैं एक बार यहाँ पर, ये है हमारा रूम। वाओ वाओ मैन वाओ। सो गाइस, हम हो गए हैं रेडी। सो ये देखो हमारी अटायर, अभी हम जा रहे हैं नीचे इवेंट में। सो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इवेंट किस चीज का है। इवेंट है गाइस, आज कुलचे छोले मूवी थोड़े दिनों में रिलीज होने वाली है, और उसका म्यूजिक लॉन्च है, जिसका हमें इनविटेशन आया, जिसका मतलब हमें यहाँ पे बुलाया गया चंडीगढ़ में रेडिसन होटल में। चलो चले, मेरे को लग रहा है शायद मैं ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ। सो यहाँ से है गाइस एंट्री अंदर जाने की। हेलो, तो यहाँ पे काफी सारी परफॉर्मेंस भी है गाइस। सो वी रीच हियर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल, मजा आ रहा है, घबराहट हो रही है। हेलो हेलो ब्रो, नमस्कार जी। कौन खड़ा है हमें कमेंट करके बताओ आप। अपने भाई वेंडी भाई मिल गए हैं, अनएक्सपेक्टेड मीटअप हो गया। चलो चले गोवा। So guys, we just landed in Goa. बारिश आ रही है बहुत ज्यादा बाहर, बहुत ज्यादा गंदा वेदर, और हम अम्ब्रेला नहीं लेके आए। यहाँ पे हम कर रहे हैं बैग का वेट। सो गाइज, वी आर जस्ट रीच्ड गोवा, और गोवा के एयरपोर्ट पे खड़े हैं हम, बहुत ज्यादा भीड़ है गाइज, सारे अपनी छुट्टियाँ हॉलीडेज मनाने आए हुए हैं सारे। क्या बोल रहे हो, मैं जूम करके लगाऊंगा इसकी उबा सीट, ठीक है। मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है, मौसम बड़ा बेईमान, बारिश पड़ रही है। ओ ये देखो गाइस, कितना तगड़ा व्यू है, ओ हो खतरनाक। और ये गाइस हम आ गए हैं रेस्टी पाजी होरो के अपार्टमेंट में। हेलो, पहुंच गए। तो शादी के बाद पहली बार मिल रहे हैं, दूसरी बार, दूसरी तीसरी बार, वैसे चंडीगढ़ में मिले थे अपन। अब मेरी नेहादी दी, हेलो वीरे। और कैसा चल रहा है फिर, बॉम्बे वाली लड़की, बॉम्बे वाली कुड़ी होगी, बॉम्बे से ब्रो। सो गाइस, नेहादी से तो मैंने आपको मिला ही दिया है, और अब बारी है
हमारे पुराने दोस्त खास मित्र। तू दोस्त बोल रहा है साले, मैं तेरे भाई 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 पुराने भाई अपने। अरे भाई 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 क्या हुआ भाई भाई क्या हुआ पुराने भाई अपने मारा भाई चेतन। सो पाजी जब मन लग गया आपका मेरे बिना। नहीं यार मैंने तेरे को बहुत मिस किया, तेरे को फोन पे भी इतनी बार बोला आजा आजा आजा, पर अब इसके डिसीजन इसके नहीं रहे हैं। अब डबल पूछना पड़ता है उधर से भी और इधर से भी। हाँ अब जो भी मैं डिसीजन लेता हूँ वो दिलाया जाता है मुझे, मैं खुद नहीं लेता। और चेतन का बर्थडे आने वाला है। अच्छा बर्थडे का ही व्लॉग है? बर्थडे का ही व्लॉग है। तो फिर भाई से बर्थडे की पार्टी लेनी है हमने। पक्का पक्का पक्का, जहाँ मर्जी आपका गोवा। ये तो पगला है बेचारा, बच्चा है, बोलता पूरा ट्रिप आपको स्पॉन्सर कर दूंगा। मैंने कहा नहीं ऐसे मत कर, फ्लाइट का खर्चा हम दे देंगे बाकी तू देख लिया। ये कहा था क्या मैंने? और एक और हम आज दो नए क्रिएटर से और मिले हैं, विहान भाई। सो आप इनको भी जानते होंगे, ये भी बहुत अच्छी YouTube वीडियोस बनाते हैं। तो कैसे हो भाई आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, हाउ आर यू? आई एम गुड भाई। मैंने ना आपकी कुछ शेरो शायरी वगैरह भी सुनी है, कोई शायरी वगैरह भी सुना दो यार। तो बैक कैमरा में हम सुन रहे हैं शायरी, प्रॉपर फुटेज दे रहे हैं भाई को। एक ब्रेकअप शायरी पक्का। हाँ जी सुनाओ। दर्द नहीं है, एटीट्यूड है। इसमें दर्द नहीं है, ब्रेकअप के बाद आप ऐसे भी इसको सेलिब्रेट कर सकते हो। ओके। कि हमारी मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा हुआ। वाह 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 वाह। हमारी मोहब्बत का अंजाम कुछ ऐसा हुआ है, शादी उसकी किसी और के साथ और बेटा मेरे जैसा हुआ है। अश्लील है ये लोंडा, अश्लील है ये। ओ भाई इसरा। रेस्टी कंबोज के नाम से मेरा चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर लें। नेहा दी को तो पहले आपने सब्सक्राइब कर ही रखा होगा, और जिन्होंने भी क्या हुआ है वो अनसब्सक्राइब कर दो प्लीज। और यहाँ पे दोनों लड़कियाँ मैगी बना रही हैं। हाउ आर यू जसलीन? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। चलो यहाँ पे मैगी बनाई जा रही है, और शेफ है रिया एंड जसलीन। अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, उधर देखो कॉन्टेंट सोचा जा रहा है गाइज, दो दो बजे तक कंटेंट लिखेंगे ये बैठ के, फिर कल वीडियो बनाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी को सब्सक्राइब करो। इधर नेहा दी अपना कंटेंट लिख रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ फर्स्ट डे इन गोवा। आज हम जा रहे हैं बागा बीच। सो यहाँ से हम लेंगे स्कूटीज, देन स्कूटीज लेके फिर हम जाएंगे सीधा बीच पे। सो गाइस, रिया मेरे सनस्क्रीन लगा रही है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव स्किन है मेरी, लाइक मेरे को टैनिंग बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है। और हम रेडी हो गए हैं, और ऑरेंज ऑरेंज पहना है आज हमने। ये भी ऑरेंज पहन रही है और मैं भी ऑरेंज पहन रहा हूँ। सो रिया कर रही है मेरा मेकअप, सनस्क्रीन का मेकअप। तो आपका भाई काला नहीं होगा भाई। लड़कियां जो हैं तैयार होने में इतना समय लगाती है ना, क्या कहें। अरे उसको मेकअप करना सिखा। अब ये नेहा बग्गा जी को ही देख लो। अरे मैं उसको मेकअप करना सिखा रही हूँ बुद्धू। रेस्टी भाई तैयार हो गए हैं। तैयार हो गए कब के? येलो येलो पहना है रेस्टी भाजी ने। सो हमारे विहान भाई भी रेडी हैं। जसलीन के साथ मैच हुआ नहीं। ये कौन सा पिंक है ना? ये पिंक है। ये इसको पिंक ही समझ ले। हम अपने अपार्टमेंट से फाइनली बाहर आ गए हैं काफी टाइम बाद, और शाम को फाइनली हम बाहर निकले हैं और हम नीचे जा रहे हैं। सो सबसे पहले गोवा आते ही गाइज आपको क्या करना है? आपको स्कूटी रेंट करनी है। क्या करनी है? स्कूटी रेंट। हाँ, आपको स्कूटी रेंट करनी है, ठीक है। देन फिर स्कूटी रेंट करने के बाद आप उसको दो तीन चार दिन, जितने दिन आप हो उतने दिन आप रखो उसको, देन फिर आप उस पर घूमो। वो थोड़ी इकोनॉमिक पड़ती है, ठीक है। तो अभी हम स्कूटी ढूंढने जा रहे हैं। चलो, आर यू एक्साइटेड? ये बंदा गोवा में घूम रहा है और ये एक्साइटेड नहीं है। और मैं थाईलैंड, बाहर तो निकलो, थाईलैंड चले, एक्साइटमेंट वहां है। तो पाजी आप सोच रहे हैं ना गोवा में घर लेने का? है हमारा घर। सो गाइज मैं सोच रहा हूँ गोवा में घर लेने का, और गाइज यहाँ पे जो घर है वो 20 करोड़ का बोल रहे हैं, बस मेरा सिर्फ 19 करोड़ 80 लाख ही मेरे पास कम है। तो मैं जल्दी, तेरे पास साले 20 लाख कहाँ से आया ये बता। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम जा रहे हैं गाइज बागा बीच पे। बुग्गा जी या बुग्गा जी? बुग्गा जी। क्या आप क्लोजअप करते हैं? नहीं, मैंने तो थाईलैंड वाला देख लिया। सो गाइज वी हैव रीच्ड बागा बागा बीच। हाँ जी, सो हम बागा बीच पहुँच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अंदर और वाइब दिखाते हैं हम आपको बागा बीच की। चल। नेहा बग्गा, ये कौन सा राक्षस बन गए आप? नहीं, राक्षस तो वो पहले से ही थी। अच्छा, ये बोलूँ कि आप असली रूप में कैसे आ गए? आप
असली रूप में कैसे आ गए? चमत्कार हुआ। सो गाइस राक्षस बनाऊं मैं ये वाला डेविल इन डिसगाइज। चल अरे तो 12 बजे नहीं चल अरे तू बड़े सरप्राइज हो जाए। चल 12 बजे से पहले तेरा केक कटा। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा बहुत ही मजा आया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स फॉर दिस अमेजिंग सरप्राइज, थैंक यू। सर आपको डेकोरेशन दिखाता हूँ जो उन्होंने करवाई है। ये डेकोरेशन है सो जो ये सस्ती सी लाइटिंग है ये इधर से आ रही है। ये देखो लाइट। सो हम जा रहे हैं वापस। बर्थडे गाइस बन चुका है, लाइक केक कट चुका है और अभी हम जा रहे हैं वापस हमारे घर पे हमारे एयरबीएनबी में। तो कैसा लगा आपको सेलिब्रेशन? बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। सो यहाँ हमें दिखी है छिपकली। सो वी आर बैक। तो रस्ते में इतने डरावने डरावने इतने गंदे गंदे रस्ते आए गाइस, मैं क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज्यादा। हमें तो पहले तो ये लगा कि हम गलत रास्ते पे आ गए बट फाइनली वी आर बैक एट सेफली एट एयरबीएनबी एंड अब बहुत ज्यादा थक गए। ये छिपकलियों से बहुत डरती है, इसको कहीं पे भी दिख जाए छिपकली तो बहुत जोर से चीख मारती है। तो मैं वीडियो में ले नहीं पाया, इसने अभी आज भी यहाँ पे भी सोए हुए लोगों को उठाया है छिपकली को देख के। तो मिलते हैं कल गाइस, देखते हैं क्या होता है। और कल आज वैसे मेरा बर्थडे स्टार्ट हो गया है और 12 बजे केक कट किया, बहुत मज़ा आया सभी ने, बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान किया हुआ था, बहुत अच्छा था। और मेरी तरफ से थैंक यू उनको और आपको जो ये भी जो ये सारे व्लॉग देख रहे हैं। और सो दैट्स ऑल अबाउट आवर डे वन इन गोवा। सो कल मिलते हैं, कल है डे टू इन गोवा। चलो बाय, अब सोते हैं।